करते हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अदालत का जो किरदार है वो बड़ा अहम होता जा रहा है। मुकदमात दर मुकदमात बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इन मुकदमात की जो नौइयत है वो क्या है और इसकी किस हद तक ये मुकदमात आगे चल के वैलिड रह सकते हैं? क्या ये जमानतों का जो सिलसिला है वो बढ़ते हुए चला जाएगा या फिर इसमें भी क्लीन रिहाई हो जाएगी? खास तौर पे इस वक्त खान साहब के मुकदमे की बात करें तो उसमें क्या कुछ सूरत हाल है, इस सवाल से हमें जो लीगल ओपिनियन मिलेगा वो मिलेगा जनाब आदिल खान जिया साहब से, एडवोकेट है सर, इनसे जानते हैं कि आखिर सूरत हाल क्या है। आदिल साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आदिल साहब, पाकिस्तान की सियासत में मुकदमात का सिलसिला कोई नया तो नहीं है, लेकिन इस बार जो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं गद्दारी के और हिरासा करने के और धमकी देने के, सर ये कुछ नया मोड़ आपको नजर आ रहा है कुछ? देखिए, पाकिस्तान में इस सिलसिले के हवाले से बहुत से सियासी मुकदमात जो है सियासी लीडरान से बनाए गए हैं और जो अभी मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से जो आज मुकदमा इंसाफ-ए-गद्दारी का बनाया गया है और उसमें उनको अबूरी जमानत मिल गई है, तो क्योंकि मैं एक वकील हूँ और कानूनी पहलू से बात करूंगा, क्योंकि उनसे जो मुकदमा बनाया गया है और वहां पर जो है जब वो वहां पेश हुए अदालत में और अदालत में उन्होंने अपनी जो है बेल एप्लीकेशन फाइल की, बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वहां पर इब्तदाई मौके बयान किया गया और जज इस मतमईन हुआ इस बात से, कानूनी पहलू को देखते हुए उनकी अबूरी जमानत दे दी गई है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पहलू थे कि जिन कंप्लेनेंट को बनना चाहिए था वो खुद मौजूद नहीं थे और उनकी तरफ से एफआईआर नहीं हुई है जी। तो कोर्ट ने समझते हुए उनको आवधिक तौर पे जमानत दे दी गई है। और आदिल साहब ये जरा समझाए ना कि इस बार कुछ नया ट्रेंड देखने में आ रहा है कि एक ही मुकदमा होता है वो दीगर शहरों में दर्ज किया जाता है, फिर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ये जमानतों का सिलसिला इस तरीके से भी चल रहा है, ये क्या मामला है? असल में कुछ सूरत हाल ऐसी है कि कुछ कानूनी हदूद होती है दायरे का, उसके मुताबिक वहां जो है वो एफआईआर कट हो जाती है, तो उस हवाले से जो है फिर वहां पर मुकदमा चलते हैं और फिर कुछ अदालतें जो है उस कानूनी पहलू को देखते हुए कहते हैं कि ये हदूद नहीं बनती, इसको जिस शहर में ये वकुआ हुआ है वहीं पर इसको बुनियाद बना के उसी कोर्टों में केस चलाया जाए, और फिर जब ये केस चलता है एक ऑफिस है कि पहले जो है एफआईआर कटती है, उसके बाद फिर मुलजिम को पेश होना होता है, फिर उसके बाद जमानत होती है, फिर एक केस की प्रोसेडिंग के बाद फिर फैसला आता है कि उसमें सजा हो या फिर बरी किया जाए। और आदिल साहब, अगर मैं आपकी माहिराना राय लेना चाहूं कि खान साहब की जिस तकरीर का हवाला दे के जो मुकदमा कायम किया गया, यकीन तौर पे अदालती फैसला तो अपनी जगह आएगा और वो हम उसको कबूल भी होगा सबको, लेकिन अगर मैं आपकी राय लूं तो आपको लगता है कि जो खान साहब की तकरीर है वो इतनी संगीन नौयत की है कि ये मुकदमा खान साहब के खिलाफ जा सकता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हालात की बुनियाद पे बनाई जाती हैं, फिर अदालत में जो है उनको साबित किया जाता है, तो ये ऐसी तस्वीर है कि उन्होंने समझा होगा कि इस पे जो है ऐसे हालात पैदा हो गए कि एफआईआर बनती है, तो उन्होंने एफआईआर बना दी। अब क्योंकि हम कानूनी लोग हैं, हम उसको हर निगाह तो कानून की निगाह से देखते हैं, ये वजूहात। तो आदिल साहब, ये जो खान साहब का जो बयान था, अब मुझे ये भी समझाएं कि केपीके में भी कुछ एफआईआर दर्ज की जा रही है जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसके हवाले से, जो माजी में उन्होंने जो बातें की हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जो मीडिया टॉक शोज में वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब उसके ऊपर भी केसेस बनाए जा रहे हैं, तो माजी में कही भी बात उसके ऊपर अब केस बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। कोई भी ऐसा वाकया जुर्म जो पिछले दिनों में या पिछले सालों में वाकया हुआ सामने नहीं आया, और अगर उसको सामने कोई सबूत के साथ मौजूद है तो उससे बाकायदा एफआईआर बन जाती है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, क्योंकि कुछ अल्फाज कुछ बातें ऐसी हैं जो गैर पार्लिमानी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी हैं, तो उस बुनियाद को बना के उनसे बाकायदा कानूनी तौर पर एफआईआर काटी जा सकती है। तो आदिल साहब, अगर मैं इसका सीधा सीधा मतलब ये समझूं कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर सियासी लीडरशिप के ऊपर ये मुकदमात बन सकते हैं, नोइंग दैट कि तमाम तर सीनियर लीडरशिप की जानिब से इस तरह के बयान कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे दिए गए हैं, सही? इफ आई एम राइट। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ ऐसी अगर ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिनका सबूत मौजूद है कि जिसमें ऐसी गुफ्तगू की गई है,
तो वाकई बन सकते हैं और बन भी रहे, और आप हमारे कुछ चीजें हमारे सामने भी आई हैं इस हवाले से प्रैक्टिकल तौर पर। तो आदिल साहब मुझे ये बताएं ना, फिर तो हम ये किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप यकीन तौर पे लीगल पहलू तो देख रहे हैं, लेकिन फिर तो हर आए रोज हर किसी की तकरीर जो है उसके ऊपर ये मुकदमात दर्ज हो जाएंगे, और फिर जब आपको ही पता है जो सियासी लीडरशिप है इसके ऊपर इस तरह के मुकदमात होते हैं तो इसका एक असर भी आता है, एक रिपरकशंस भी होते हैं, इसके कुछ असरात भी होते हैं, अवामी हिमायत भी होती है, तो ये सारे मामलात को बुरे खाते नहीं लाया जाता। ये तमाम चीजों को बरोबर लाया जाता है, मगर क्योंकि ये ज्यादातर मुकदमा जो है सियासी नौइयत के बनाए जाते हैं, उस हवाले से ये चीजें ज्यादा हमारे सामने आती हैं कि उसको एक बात को इश्यू बना के और सियासत के पहलू को देखते हुए उसको जो है वो कानूनी रुख दे दिया जाता है और उसको जो है हर शख्स को मुजरिम जाहिर करके जो है उसकी एफआईआर काट दी जाती है। और एक चीज और ऐड कीजिएगा कि अभी आपने देखा रिसेंटली शहबाज गिल साहब के हवाले से भी जो मामला चल रहे हैं, इसमें कोशिश ये भी की जा रही है कि जो शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को खान साहब से जोड़ा जाए, अगर शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उसकी जिम्मेदारी क्या खान साहब के ऊपर भी आयद होती है, जबकि पार्टी पॉलिसी इस बात का बयान दे दे, पार्टी की जानिब से आ जाए कि पॉलिसी बयान नहीं हो, तो क्या खान साहब को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से और गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शहबाज गिल का जो है वो अपना जाती मौकिफ है, उसमें किसी की इन्फ्लुएंस शामिल नहीं है, तो वो जो भी चीज है वो उनकी अपनी जाती राय है, इसमें कोई दूसरे का शामिल होना या ताल्लुक होना नहीं है। और अंटिल अनलेस अगर कोई ये चीज प्रूव हो जाती है किसी कन्वर्सेशन के थ्रू, किसी ट्रैकिंग के थ्रू के ये कहने के लिए खान साहब ने कहा हो, तो फिर खान साहब को इन्वॉल्व किया जा सकता है, वो एक अलग सूरत हाल है, अगर कोई ऐसा कानूनी सबूत या कानूनी नुक्ते निगाह सामने आती है तो फिर उसके हिसाब से कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाएगी। और आपके आपके ख्याल में जो शहबाज गिल साहब के जो रूम पे पार्लियामेंट लॉज पे जो रेड किया गया, इनकी दीगर मकामात पे जहाँ पे वो रिहायश पजीर रहे उनके ऊपर जो रेड किया गया, उसका मकसद ये हो सकता है कि जो लिंकेजेस हैं उसको तलाश किया जा सके ताकि एक नेक्सस क्रिएट किया जा सके? देखिए कानूनी तौर पे तो वही मैं अर्ज करूंगा, क्योंकि शहबाज गिल पे एफआईआर कर दी है और वो कानूनी प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो बेहतर समझती है इन्वेस्टिगेशन वो अपना प्रोसेस करेगी कि रेड करे या मालूम करे जो भी है वो उसको अपने मुताबिक करेंगे काम को। ठीक हो गया जी, आदिल साहब आपने अपना माहिराना राय भी दी और यकीन तौर पे जो कानूनी पहलू है उसके बारे में आपने हमें बताया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आगे चल के जो सूरत हाल है वो किस तरीके से शेप अप होती है। पाकिस्तान की सियासत के फैसले जो पार्लियामान में होने चाहिए थे वो अदालतों में हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।